जीवन और परिस्थितियों में फर्क है। हम लोग जीवन को नहीं जानते, परिस्थितियों को जीवन मान लेते हैं। जीवन अछूता रह जाता है और परिस्थितियां जीवन दिखती हैं। अब परिस्थितियों को अनुकूल करके हम जीवन को जीना चाहते हैं, परिस्थितियों को स्थिर करके जीवन जीना चाहते हैं, और परिस्थितियों के परिणामों को सानुकूल करके जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हैं। मूल में गलती आ जाती है। परिस्थितियां जीवन नहीं हो सकती है और जीवन कोई परिस्थिति नहीं है। जीवन वह है कि हजार हजार परिस्थितियां बदल जाए लेकिन जीवन तो जीवन ही रहता है। लेकिन हमने क्या किया कि पुरानी आदत है, परिस्थितियों को जीवन मानने वाले व्यक्तियों के बीच हमारा जन्म होता है, परिस्थितियों को जीवन मानने वाले व्यक्तियों के बीच हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, परिस्थितियों को जीवन मानने वाले व्यक्तियों के माहौल में हमारा जीना मरना हंसना रोना होता है। इसलिए परिस्थितियों को हम लोग जीवन मान बैठते हैं। उसलिए क्या होता है, कोई हनुमान जी की उपासना करते, कोई ईसा की करते, कोई मूसा की करते, कोई मोहम्मद की करते, कोई किसी की करते, लेकिन एक मोहम्मद के बाद दूसरे मोहम्मद का दीदार नहीं हो पाते। एक ईसा के बाद लाखों करोड़ों ईसाई बने लेकिन दूसरे जीसस के दर्शन नहीं होते हैं। एक हनुमान जी के बाद दूसरे हनुमान जी के दीदार नहीं हो पाते हैं। एक कबीर के बाद दूसरे कबीर की निगाहें नहीं मिलती है। एक अवधूत के बाद उस माहौल से दूसरे अवधूत की आशा नहीं रख सकते हैं। ऐसा क्यों कि हम परिस्थितियां बाहर के देख, एक बुद्ध के बाद बौद्ध वृक्ष के नीचे हजारों हजारों लोग बैठते हैं लेकिन दूसरा बौद्ध तैयार नहीं होता है। हमने ऐसी मूल में गलती डाल दी, हमें मूल में एवी भूल करी कि परिस्थितियों ने जीवन मानी बैठा, परिस्थितियों ने सत्य मानी बैठा। परिस्थितियों जुदी जुदी हो, देश काल ने वस्तु व्यक्ति ना आधारे परिस्थितियों परिणित थती हो, पण परिस्थितियों ने जेनी सत्ता मळती हो ते परमात्मा तरफ जो दृष्टि न राखी तो गम्मे तेटली उपासना करिए, गम्मे तेटला मंदिरो बांधिए, गम्मे तेटली समाज सेवा करिए, गम्मे तेटला घरना महल बांधिए, छता पण जीवन नु उद्घाटन न थाय तो अपूर्णता लागशे, अने अपूर्णता लागशे त्यां हुधी कोष कबाड़ा जागशे जागशे जागशे। लो ज्यां सुधी अंदर थी स्वाद नहीं आवे त्यां सुधी बाहर स्वाद लेवा माटे गम्मे तेवा काला वेला करशे। चा छोड़शे तो कॉफी लेशे, अन कॉफी छोड़शे तो उकाड़ो लेशे, अन उकाड़ो छोड़शे तो बीजू कोक लेशे, जिंजर छोड़शे तो रासबरी लेशे, रासबरी छोड़शे तो फेंटा लेशे, फेंटा छोड़शे तो जीरा नु पाणी लेशे। जशे क्यों मारो वालो, मनुभाई नो स्वभाव छे, कारण के उत्पत्ति स्थान जीवन छे। आ मन क्यांथी उत्पन्न थयु छे, मन का उद्गम स्थान जीवन है और विहार स्थान परिस्थितियां है। तो हम लोग परिस्थितियों को सजा कर, परिस्थितियों को सानुकूल करके जीवन का रस लेना चाहते हो, जीवन का रस नहीं मिलता है। मन का उद्गम स्थान जीवन है और मन का विहार स्थान परिस्थिति है। एक सुंदर सुहावना बच्चा है, मिट्टी के खिलौनों को चाटता है, एक को चाटता है, दूसरे को चाटता है, तीसरे को चाटता है, वो करता ही जाता है। माँ डांटती के कोई नहीं डांटी उतारा काका नु रेवा दे के लाखो पड़से। एक छोकरा थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा लेकिन माँ ने मुंह घुमाया ताकि फिर वही मिट्टी का आम चूसेगा, चमकता हुआ सीताफल चाटेगा। क्यों कि उसको चाहिए जीवन का रस। अब वो जीवन का रस अगर असली सीताफल मिल जाए, असली आम की एक जरा सी एक बूंद भी आ जाए तो वो नकली आम छूट जाएगा। अब मां दो प्रकार की होती है, एक होती है ताड़न करके खिलौने छुड़वाती है लेकिन छोड़ता तब है जब उसको पकड़ने को कुछ मिलता है, दूसरी यह है कि कुछ बढ़िया पकड़ा देती है तो घटिया छूट जाता है। कबीर ने लोगों को कहू के बगड़ी क्या, बात साची छे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मित्रवा, कबीरो बिगड़ गयो रे, दही संग दूध बिगड़ो मक्खन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मित्रवा, सुनो मेरे रघुवीरा, मोती भाई बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे।
संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संत कबीर भयो रे कबीरो बिगड़ गयो रे। आप ईश्वर के रास्ते अगर तथाकथित जाते हैं तो आप नहीं बिगड़ेंगे। तथाकथित ईश्वर के रास्ते जा रहे हैं जैसे और लोग जाते, सुबह नहाए धोए मंदिर में गए, तिलक किया, जय भगवान जय स्वामी नारायण जय हनुमान दादा जय मोटेरा वाला जय, ऐसा करा तो कोई विशेष बिगड़ान का खतरा नहीं है। लेकिन जो आपने मंदिर की, उस मंदिर के द्वारा अपने मंदिर की यात्रा की, आपको अंदर का रस आने लगेगा, बाहर के रसों का जो आकर्षण था, जो पकड़ थी, वो सब छूट जाएगी। लोगों की नजर में, किसी की नजर में लगोगे सुधर गए, और संतों की नजर में लगोगा कि संसार के पोटला उठाने के काम में, चिंता के बर्डन उठाने के जो पोटला चिंता, हवे शू थे मारू शू थे अने हम करी नाखू तेम करी नाखू, ए बधी जे गड़बड़ उपाड़वाना जे स्वभाव हती, मजूरी करवानी जे आदत हती, ए आदत तमारी बगड़ी जशे। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं डांट फटकार करके खिलौने छुड़ा देते हैं, दूसरे होते हैं, दूसरी माँ वो होती है कि आप उसके रिगोल कर बच्चे के होठों को छुआ दे, आप उस न मिले तो चलेगा देसी छुआ दे तो बच्चा वो खिलौनों के आम को छोड़ देगा, असली आम का रस आएगा। तो हमारा मन व्यसन करता है, हमारा मन शराब चाहता है, हमारा मन फलाना चाहता है। हकीकत में बच्चों का मन शराब नहीं चाहता है, आपका मन बीड़ी नहीं चाहता, आपका मन तंबाकू नहीं चाहता, आपका मन झगड़ा नहीं चाहता, आपका मन और व्यवहार नहीं चाहता, आपका मन चाहता है सुख। और अंदर का सुख नहीं मिला तो बाहर के इंद्रिय जगत सुख में आपका मन आपको ले जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ए भैया जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, तू फकीरों की प्यालियां पी ले तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी सुधर जाएगी। अगर वो भीतर का रस दिलाने वाला, संप्रेक्षण शक्ति का फोर्स देने वाला कोई संत मिल जाता है तो मन को भीतर का स्वाद आता है, जो भीतर का स्वाद आता है तो बाहर के कलह गायब हो जाते हैं, बाहर का युद्ध गायब हो जाता है। बाहर का युद्ध दो प्रकार का होता है, एक होता है अहंकार को पुष्ट करने के लिए और दूसरा होता है जीवन को जानने के लिए। जीवन को जानने के लिए जो युद्ध है वो युद्ध होते हुए भी पुण्य है, और अहंकार को सजाने के लिए अगर युद्ध है वो युद्ध अपना और दूसरों का विनाश करता है। तो हम जीवन को जीवन नहीं जान पाते हैं, परिस्थितियों को जीवन मानते हैं। बचपन एक परिस्थिति है, जवानी एक परिस्थिति है, गोरापन एक परिस्थिति है, श्यामपना एक परिस्थिति है, गांव वाला होना एक परिस्थिति है, शहर वाला होना दूसरा परिस्थिति है, लेकिन ये सारी परिस्थितियां जिसके आधार से दिखती है वो जीवन है। जीवन के तरफ जिसकी नजर है उस पर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं, और परिस्थितियों को जो जीवन मानता है उसको जीवन का ज्ञान नहीं। जो परिस्थितियों को जीवन मानता है वो परिश्रम करके भी सुखी नहीं रह सकता, लेकिन जो जीवन को जीवन जानता है वो सहजानंद स्वामी हो जाता है। सहज में ही उसका आनंद प्रकट हो जाए वो सहजानंद। हम लोग परिश्रम करके हर्ष पैदा करते हैं, और जिन्होंने जीवन पर निगाह रखी है वो जीवन को निहारते ही सहज में आनंदित हो जाते हैं। रूप देखकर जो हर्ष मिला, कांस का जो स्वाद मिला, जिह्वा हलवाई की दुकान पर ले गई, शरीर सोफा पर ले गया, लेकिन ये क्षण भर का परिस्थितियों का सुख है, इससे जीवन का उद्घाटन नहीं होता है। हम हनुमान जी को माने अहो भाव से, लेकिन हनुमान जी को मानते मानते क्या करें कि हनुमान जी को माने उस लिए कि बाहर की मान्यता छोड़कर मान्यता केंद्रित हो, उस लिए हनुमान जी है। राम जी उस लिए है कि और मान्यता हटाकर हमारी मान्यता सुदृढ़ हो। सहजानंद स्वामी उस लिए है, अंबाजी माँ उस लिए है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उनके पास जाने के बाद भी हम अपने स्वभाव की ओर ध्यान नहीं देते। लोग पूजा करते, जप करते, ध्यान करते, मंदिर में जाते, पुण्य कर्म करते, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाते, इमारतें बनाते, ये सब करते, लेकिन जीवन की ओर ध्यान नहीं देते। जीवन की ओर जब तक ध्यान नहीं दिया तब तक परिस्थितियां जीवन लगेगी, और परिस्थितियां कभी पूर्ण नहीं हो सकती। परिस्थितियां कभी पूर्ण नहीं हो सकती, गम्मे तेवी परिस्थितियां उभी करो, गम्मे अनुकूल वातावरण उभू करो,
पण शाश्वत सुख नहीं टके कारण कि परिस्थिति कोई शाश्वत हशे नहीं। आई आव्या मंडप करो स्वयं सुवर कोई गेमर भाई बीजा भाई अहियां ना ट्रस्टी हो सज्जनों मेहनत करी एक परिस्थिति उभी थई। ए परिस्थिति माथी अगर जीवन नो लक्ष्य नो इशारो न मळे तो अमे तमारी प्रशंसा करी तमे अमारी प्रशंसा करी हूँ बहु तकलीफ थी आयो छू मने टाइम न तो कारण के हरिद्वार वाला बापजी बहु याद करता था फलानी तारीखे पहुंचवानो हतो पण लालजी महाराज नो कागड़ ने आपनो प्रेम मने अहीं लई आव्यो छे पण मने अहीं लाव्यो छे हूँ कोण छू अने तमे कोण छो ए जीवन नो उद्घाटन नहीं थयो तो पछी परिस्थितियोनी व्याख्या व्याख्या ने व्याख्या। अब प्रभु कृपा करहु एही भांति सब तजी हो जो जो पाछा सब एटले शू पाछु एवं कहू छे सब तजी भजन करहु दिन राती। दिन को भी भजन और रात को भी भजन। अगर रात को नींद नहीं आएगी तो भजन दिन को होगा नहीं। भोजन नहीं खाएंगे तो भजन होगा नहीं। कपड़ा नहीं पहनेंगे तो भजन होगा नहीं। लेकिन ये जीवन के तरफ इशारा है कि परिस्थितियों को सत्य बुद्धि से न देखकर परिस्थितियों की सत्यता को छोड़कर जो कुछ करें वो जीवन के लिए करें। अब प्रभु कृपा करो एही भांति सब तजी भजन करहूं दिन राती।